वाइज आज के स्टूडियो के अंदर हम बात करेंगे कल की रॉ यानी कि 1 नवंबर की रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG नवंबर की शुरुआत एक धमाके के साथ कल है दोस्तों मंडे नाइट रॉ और 1 नवंबर की मंडे नाइट रॉ दोस्तों काफी धांसू रहेगी। महीने की शुरुआत में दोस्तों मंडे नाइट रॉ वाले कोशिश करेंगे कि सर्वाइवर सीरीज का बिल्डअप किया जाए और इस बार की रॉ के अंदर दोस्तों हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलने जा रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे। कल की रॉ के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारी थिंग्स देखने को मिलेगी, जैसे कि शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत हम लोगों को देखने को मिल सकती है हमारे आर के ब्रो की एंट्री के द्वारा। तो आर के ब्रो जो कि ऑडियंस में काफी ज्यादा ओवर हो चुके हैं और लास्ट वीक जिन्होंने डर्टी डॉग्स को हरा दिया उनके सामने अब कोई भी ओपोनेंट नहीं है। जहां दोस्तों बात करूं आर के ब्रो की, आर के ब्रो के ऊपर कल दोस्तों उसोज हमला कर सकते हैं, ये चीज देखने को मिल सकती है कि वहां आर के ब्रो वाले रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों दोनों एक दूसरे से मस्ती मजाक करें, उसोज की हो जाए एंट्री, जहां उसोज दोनों के ऊपर चीप अटैक करे और चेयर से दोनों की कर दे गंदी पिटाई। यहां दोस्तों सर्वाइवर सीरीज का डब्ल्यू बिल्डअप करना चाहेगी और ऐसे में दोस्तों कल हमें एंगल देखने को मिल सकता है। बात की जाए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों कीथ बेकेट ली का मैच। जो गाइस लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था जो मैच वो था दोस्तों ली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर, जहां मैच के बाद हल्का सा दोस्तों शोडाउन या फिर कह लीजिए फेस ऑफ हुआ था शेल्टन और ली के मध्य, जिसका मतलब साफ है ली के नेक्स्ट ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि शेल्टन बेंजामिन होने वाले। कल हमें इनका मैच देखने को मिलेगा जो कि एक स्क्वाश मैच होगा जिसके अंदर फिर से ली की जीत होगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों हमारे अपनी डू ड्रॉप का मैच, जो कि फिर से हो सकता है वेगा के खिलाफ। तो डू ड्रॉप वर्सेस वेगा हमने लास्ट वीक देखा था जो कि दोस्तों इनका सेकंड मैच था इन रो, जहां दोस्तों सबसे पहले तो क्राउन जोल में वेगा जीत गई। लास्ट वीक दोस्तों डू ड्रॉप के साथ उन्होंने धोखा किया, डू ड्रॉप को दोस्तों उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करके बहुत गंदे तरीके से मारा, सेप्टर से मारा, और इसका मतलब साफ है कि इनका तीसरा मैच भी हो सकता है और कल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बात की जाए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हमें देखने को मिलेगा फिर से डेमियन प्रीस्ट का एक स्क्वाश मैच। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों लास्ट वीक टी बार को गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय किए थे और अब दोस्तों डेमियन हल्के से हीलिश लगने लगे हैं, तो कल दोस्तों फिर से उनका बिल्डअप किया जा सकता है और एक स्क्वाश मैच हमें अपने डेमियन प्रीस्ट की तरफ से देखने को मिल सकता है। चलते हैं दोस्तों थर्ड लास्ट थिंग के ऊपर। थर्ड लास्ट चीज जो कि कल की मंडे नाइट रॉ में हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों हमारे ओमोस का मैच जो कि मोंटेस के खिलाफ आ सकता है। तो लास्ट वीक दोस्तों जहां कंटेंडरशिप का मैच हो रहा था, ओमोस ने बिना बात के घुस के मोंटेस एंड एंजेलो डॉकिंग्स को मैच क्रॉस करा दिया और उसके तहत दोस्तों दोनों मैच को हार जाते हैं। ओमोस एंड एजे स्टाइल्स की जोड़ी दोस्तों इन दोनों के खिलाफ बैर खाई हुई है। एजे स्टाइल्स को तो पता नहीं कि कल की रॉ के अंदर आएंगे कि नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है उन्हें छोटी सी इंजरी आ रखी है, लेकिन ओमोस कन्फर्म्ड है और ओमोस दोस्तों मोंटेस को कल फेस कर सकते हैं। चलते अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग क्योंकि कल की मंडे नाइट रॉ का रहेगा वो है बिगी एंड सेथ रॉलिंस का फेस टू फेस। तो फेस टू फेस कल की मंडे नाइट रॉ के अंदर इनका रखा जा सकता है। सेथ रॉलिंस 200 ब्रांड न्यू कंटेंडर बन चुके हैं WWE टाइटल के। मुझे क्या लगता है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले इनका मैच होगा, इस हफ्ते तो नहीं होगा लेकिन इस हफ्ते हो क्या सकता है कि इनका फेस ऑफ डब्ल्यू वाले रखे, जहां दोस्तों सेथ रॉलिंस आकर चैलेंज कर दे बिगी को नेक्स्ट वीक के लिए और वहां दोस्तों बिगी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करे। यहां दोस्तों सेथ जो है वो हमारे हील है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की कि कल वो एक चीप अटैक कर सकते हैं बिग ई लैंगस्टन के ऊपर, बिग ई लैंगस्टन को वो गंदा तोड़ सकते हैं। तो सेथ रॉलिंस की तरफ से दोस्तों कल हम लोगों को अटैक देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग को, गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ का रहेगा, तो गाइस वो डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है पहले से, ये होने जा रहा है बैगी लिंच वर्सेस बियंका ब्लेयर फॉर रॉ वुमन चैंपियनशिप। गाइस रॉ वुमन चैंपियनशिप का मैच कल हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये मैच दोस्तों काफी ह्यूज है। बियंका ब्लेयर को दोस्तों बेकी लिंच स्क्रू की थी, कब की थी दोस्तों याद होगा, समर स्लैम में किया था, बहुत गंदे तरीके से किया था, तब से लेकर अभी तक बियंका जो है संभल नहीं पाई है। बियंका ब्लेयर का दोस्तों जो मोमेंटम था रुक सा गया है और बियंका इसका बदला जरूर लेना चाहिए, लास्ट वीक इनकी हल्की सी झड़प हुई थी। इस हफ्ते दोस्तों टाइटल मैच रखा गया है, बेकी लिंच के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे क्या लगता है इसके अंदर साम दाम दंडभेद का प्रयोग करके जो बैकी है वो टाइटल रिटेन कर जाएगी, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला दोस्तों कल की मंडे नाइट रॉ में, किसे सपोर्ट कीजिएगा बताएगा। तो चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर यानी कि अपनी खबरों के ऊपर। भाई सबसे पहली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े है दोस्तों डेनियल ब्रायन से। तो डेनियल ब्रायन के ऊपर दोस्तों एक नहीं दो बड़ी अपडेट आ रखी है।
तो आपको याद होगा दोस्तों 2020 की रॉयल रंबल जो थी वो डेनियल ब्रायन के नाम थी, ऐसे रूमर्स आ रहे थे और ऐसी ही अपडेट्स थी, लेकिन डेनियल ब्रायन उस रॉयल रंबल को यानी कि इस साल की रॉयल रंबल को नहीं जीतते हैं। इवेंचुअली दोस्तों बात की जाए रॉयल रंबल तो गई दोस्तों, अब नए साल की रॉयल रंबल आएगी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि डेनियल ब्रायन के एक्चुअल प्लान्स कभी भी रॉयल रंबल को जीतने के नहीं थे। रही बात डेनियल की, डेनियल AEW को ज्वाइन तो किए हुए हैं, लेकिन विंस मैकमैन अभी भी डेनियल ब्रायन के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और ये चीज़ कह के रखी है विंस मैकमैन एंड कंपनी ने डेनियल को कि अगर वो लौटना चाहे तो वो कभी भी लौट सकते हैं। तो गाइस डेनियल ब्रायन जो है वो WWE के लिए काफ़ी बड़ा एसेट रहे हैं, इस वक्त AEW के अंदर एक से बढ़कर एक मैचेस दे रहे हैं, लेकिन WWE वालों ने साफ कर दिया कि अगर डेनियल लौटना चाहे तो कभी भी किसी भी समय वो उनकी कंपनी में लौट सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों शेमस से। तो शेमस क्यों कम्पीट नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है बताया जा रहा है दोस्तों। शेमस ने सेकंड सर्जरी करा रखी अपने नोज की, उन्हें इंजरी आ रखी थी, इंजरी एक्सट्रीम रूल्स में और भी भयानक हुई, जिसके बाद उन्हें दूसरी सर्जरी करानी पड़ गई है। स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों शिफ्ट हुए हैं लेकिन नहीं दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न यही है। लेकिन दोस्तों शेमस अब एक नहीं चार मैचेस के लिए बुक्ड हो चुके हैं। मैचेस दोस्तों हमें 10 नवंबर से देखने को मिलेंगे, हाउस शोज जो कि मैनचेस्टर में होने जा रहे हैं, वहां चार हाउस शोज में दोस्तों फिन बैलर के ओपोनेंट है। अब गाइस शेमस जो है वो फिर से सुर्खियों में इस बात से भी आए हैं कि गाइस उनका ड्रेसअप जो है वो काफ़ी फनी रहा इस बारी दोस्तों। हैलोवीन पर वो जोकर बन रखे थे जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हैलोवीन की बात लगी है तो बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज की। तो एज की दोस्तों ड्रेसअप सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, सबसे ज़्यादा दोस्तों उन्हें वाहवाही मिली है। हैलोवीन दोस्तों एक तरीके का दीपावली का त्यौहार होता है अंग्रेजों का, या फिर कह लीजिए फॉरनर्स का। फॉरनर्स दोस्तों हैलोवीन पर भूतिया ड्रेसेस पहनते हैं, वीडो दोस्तों बनकर घूमते हैं और लोगों के घर जाके टॉफियां मांगते हैं, कुछ कुछ दोस्तों लोहड़ी के जैसा है। और इस बारी दोस्तों हैलोवीन पर जो एज थे वो बने हुए थे हमारे फ्रैंकेंस्टाइन दोस्तों एक तरीके का ज़ॉम्बी रहता है, और वो दोस्तों बने हुए थे हमारे एज जो कि काफ़ी कूल लग रहे हैं तस्वीरों में। तस्वीरें दोस्तों उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली है। इस वक्त दोस्तों एज WWE के अंदर कम्पीट नहीं कर रहे हैं, वो घर पर है और काफ़ी मज़े लूट रहे हैं, इससे हमें पता चलता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के बारे जुड़ी है वो जुड़ी हुई है द बेस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो हैलोवीन मेरे हिसाब से अगर कोई सुपरस्टार नहीं मनाता होगा तो है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर एक एंटी सोशल व्यक्ति है, लेकिन हाल ही में दोस्तों केन वेलास्केज ने उन्हें सुपर एंटी सोशल बताया। तो केन वेलास्केज ने दोस्तों हाल के इंटरव्यू में चीज़ बताई कि WWE के अंदर उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ काम तो किया, लेकिन उनकी फिर भी WWE के साथ नहीं निपटी थी। केन वेलास्केज के बारे में आपको बताना चाहूँ, केन वेलास्केज ब्रॉक लेसनर के रियल लाइफ में ओपोनेंट रहे UFC में, जब दोस्तों उन्होंने उन्हें हरा दिया UFC वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद से दोस्तों केन बताते हैं कि उनकी ब्रॉक से नहीं बनती। हाल ही के इंटरव्यू में केन वेलास्केज ने बताया कि WWE के अंदर जब वो काम कर रहे थे तब भी वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर जो है वो काफ़ी अच्छा बंदा है, रेसलिंग उसके खून में है, रेसलिंग के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा समर्पित है, लेकिन उनकी उनसे नहीं बनती। और शायद ये भी एक रीज़न रहा होगा कि आगे इनकी जो राइवलरी कंटिन्यू नहीं रही होगी। चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़ भी है वो जुड़ी हुई दोस्तों शील्ड ब्रदर डीन एम्ब्रोस से। तो शील्ड ब्रदर डीन एम्ब्रोस उर्फ जॉन मॉक्सली फिर से चर्चा में आ चुके हैं। रीजन है दोस्तों जॉन मॉक्सली की बायोग्राफी। जॉन मॉक्सली की दोस्तों बायोग्राफी निकल रही है जिसका नाम मॉक्स है। इसके अंदर दोस्तों WWE से जुड़े उन्होंने बहुत सारे राज खोले हैं, और हाल ही के दोस्तों इंटरव्यू में जो कि उन्होंने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो को दिया उसमें उन्होंने बहुत कुछ WWE के खिलाफ कहा है। तो क्या कुछ कहे मॉक्सली चलिए जान लेते हैं। मॉक्सली दोस्तों जो कि WWE से बाहर है और जो कि WWE से बाहर AEW में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई कि उन्हें नहीं पता था कि WWE के अंदर जो प्रोमोज रहते हैं 90% वो स्क्रिप्टेड ही रहते हैं। वो आगे ये चीज़ बोले कि जब मुझे पता चला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन जब मुझे थमाया गया स्क्रिप्ट तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगा। मुझे रिंग के अंदर जाकर वो प्रोमो एज टू एज कहना था जैसे कि वो लिखा हुआ था, जो कि काफ़ी बुरी थिंग थी। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और जब मुझे ऐसा करना पड़ता है जो कि मजबूरन होता है तो मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता, और यही कुछ एक रीज़न रहे जो कि WWE मेरे लिए गले का फंदा बनता जा रहा था। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मॉक्सली जो है वो WWE के स्क्रिप्टेड एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। WWE के अंदर जो प्रोमोज रहते हैं वो 90-99% दोस्तों स्क्रिप्टेड ही रहते हैं। सुपरस्टार्स अपने मन से वैसे कुछ नहीं कह सकते, ये चीज़ दोस्तों मॉक्सली को बहुत ज़्यादा परेशान कर गई, और शायद ये एक रीज़न था जो कि उन्होंने सबसे पहले मन बताया कि उन्होंने WWE को छोड़ना है। अब मॉक्सली की बात करूँ, मुझे नहीं लगता दोस्तों उनका रिटर्न इस साल या फिर अगले साल होगा, मे बी उसके बाद पॉसिबिलिटी हाई है,
चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की मेरी खबर भी है वो जुड़ी है दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो क्या ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस को हराने वाले हैं? चलिए जान लेते हैं। तो WWE के अंदर दोस्तों जो रेफरी रहते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है, और ऐसा ही किस्सा हमें हाल ही में देखने को मिला है जहां WWE के एक रेफरी ने WWE के प्लांस खोल के रख दिए हैं। तो WWE के अंदर दोस्तों एक रेफरी है जिसका नाम कोडी रेस है, और कोडी रेस जो है उसने बताया कि रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है। तो रिपोर्ट्स को सच साबित करते हुए जो रेफरी कोडी रेस है उन्होंने ये चीज कही कि रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट कोई और नहीं ड्रू मैकइंटायर है। वो ये चीज बोले ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट रहेगा, जिससे रोमन रेंस को तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन ड्रू मैकइंटायर को मैच हारना पड़ जाएगा। ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस को एलिवेट करने की भूमिका निभाएंगे और जो मैच है ये रोमन ही जीतेगा। मुझे ड्रू मैकइंटायर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन रोमन रेंस को एलिवेट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही, और मुझे क्या लगता है कि WWE वाले कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे जिससे ड्रू मैकइंटायर भी ज्यादा कमजोर ना लगे। तो साफ सी बात है दोस्तों कि TLC में रोमन वर्सेस ड्रू ही होगा। वीडियो आज की इतनी सी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लास्ट तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।